ज्वाइंट एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या वजह है जो मीडिया को अलाउ किया गया है गांव के अंदर? पिछले दो दिनों से मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, ऐसी कौन सी आज बात नई घटित हुई है जिसके बाद ये डिसीजन लिए गए? देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि पिछले दो दिन से मीडिया को इसीलिए निवेदन किया जा रहा था क्योंकि एसआईटी की टीम यहां पे लगातार बनी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बयान और एविडेंस लिए जा रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन था कि जब तक एसआईटी अपना काम ना कर ले, ताकि उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप और किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े और निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन हो पाए, इसीलिए दो दिन के लिए मीडिया बंधुओं को रोका गया था। इन दो दिन से पहले भी आप लोग फ्री थे गाँव में आने के लिए, अपनी कवरेज करने के लिए, और आज सुबह से वो लिमिटेशन फिर हटा ली गई है। आप फ्री हैं, आपको जैसा उचित लगता है अपना आप काम कर सकते हैं। जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पिछले दो दिनों से जो पीड़ित परिवार था उसके मोबाइल फोन को सीज कर दिया गया था, उनको घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, कितनी पुष्टि कर सकते हैं आप? पूरी तरह निराधार, पूरी तरह असत्य कि किसी का मोबाइल छीना हो, किसी को घर में बंद किया हो। पुलिस और प्रशासन ने ऐसा कोई भी काम किसी भी स्टेज पर ना तो किया है और ना ही करेगा। ये सारी जो भ्रामक खबरें हैं पूरी तरह झूठी और असत्य हैं। सर, आज मीडिया को अलाउ किया गया है लेकिन कई पॉलिटिकल डेलीगेशंस भी हाथरस आने की तैयारी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं हाथरस के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको अलाउ किया जाएगा गांव में आने से और क्या उनको अलाउ किया जाएगा पीड़िता के परिवार से मिलने? देखिए, अभी सिर्फ मीडिया को अलाउ किया गया है एज ऑफ नाउ, और अगर आगे चेंज उसमें कोई होता है तो वो आप सभी को बता दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, धारा 144 लगातार पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई थी, क्या उसको भी रिमूव किया गया है और जो बैरिकेडिंग्स बाहर मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए लगाई गई थी अब पूरी तरीके से? देखिए, धारा 144 अभी भी लगी हुई है और मीडिया बंधु और सभी से निवेदन है कि 5 से ज्यादा के ग्रुप में ना घूमे, वरना वो धारा 144 का उल्लंघन होगा और हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। बाहर जो बैरिकेडिंग की गई है वो मीडिया को रोकने के लिए नहीं बट कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। वह बैरिकेडिंग लगातार बनी रहेगी, जैसे जैसे निर्देश आते रहेंगे उसी के हिसाब से हम लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे। एसआईटी की टीम चली गई है और जांच पूरी हो चुकी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, एसआईटी ही कह पाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। थे ज्वाइंट एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज एसआईटी की जांच के बाद, जो प्राथमिक जांच थी उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं और मीडिया को इस गांव के अंदर अलाउ कर दिया गया है, अब कहीं ना कहीं मीडिया अपनी कवरेज कर सकती है और गांव के अंदर जा सकती है, किसी भी गांव के व्यक्ति से इंटरव्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है। साफ तौर पर कहना था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, धारा 144 लगातार अभी भी जारी है। ये आप पूरा गांव देख सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा, ये सामने गांव के लोग हैं जो खड़े हुए हैं अब क्योंकि मीडिया को दो दिन के बाद अलाउ किया गया है। हम हर उस शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस केस से जुड़ा हुआ है, पीड़िता के परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या पीड़िता के घर के अंदर भी पहुंचे, आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। परिवार के अंदर ही हूँ और आप तमाम ये जो दृश्य देख रहे हैं ये पीड़िता के परिवारजन हैं जो मीडिया से लगातार बात करना चाहते थे। दो दिन तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उस रिस्ट्रिक्शंस के बाद आज मीडिया को कहीं ना कहीं अलाउ किया गया था। हम उन तमाम परिवारजनों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था जो वो मीडिया से बताना चाहते थे और एसडीएम और जो एसआईटी जो जांच में लगातार लगी हुई थी उन्होंने कौन कौन से वो सवाल इनसे किए और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, क्यों इस तरह की खबरें आ रही थी कि सारे मोबाइल फोन्स इनके जब्त कर लिए गए थे और क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो भी बातें कही गई थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एसडीएम जॉइंट एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा से बात करी, उन्होंने सभी क्लेम्स को निराधार साबित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के जो मोबाइल फोन जब्त करने की बात थी, घर में नज़रबंद करने की बात थी, वो सभी निराधार उन्होंने घोषित करी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो सामने मीडिया में आ रही थी। अब परिवारजनों से जब बात करेंगे तब हम जानने की साफ तौर पर कोशिश करेंगे कि क्या आखिर सच्चाई थी और पिछले दो दिनों तक किस तरीके से बीते। हाथरस की इस घटना को सिर्फ पुलिस अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों ने भी लीपापोती में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद डीएम पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए, तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी
आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है अभी।